हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज में। मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र सिंह। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाते तो हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचती। तो फ्रेंड्स, आज का जो बिजनेस आइडियाज बिल्कुल हटके और पहली बार अपने यूट्यूब पर आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ, अभी आप सोच रहे हो कि पहली बार क्या दिखा रहे सरदार जी, मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ जो आप यूट्यूब पर बहुत ही काफ़ी टाइम पुराने इनको जानते होंगे अमरेजी से, जिनके ये दो चैनल हैं, एक तो महात्मा जी टेक्निकल और दूसरा वी मेक क्रिएटर, दो चैनल है। और आज आपको ये बताएंगे डिजिटल मार्केटिंग के कितने फायदे हैं और इस बिजनेस को कैसे किया जाता है, जो भी हमारे व्यापारी हैं इस डिजिटल मार्केट से अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। और आपको पता है कि आजकल जमाना जो है डिजिटल मार्केट का ही है। डिजिटल के मार्केट में आपको पता ही है, चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, चाहे जो भी बिजनेस करते हो, लेकिन डिजिटल मार्केट के बिना ये काम बिल्कुल अधूरा है। आइए सर से मिलते हैं और आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। हेलो सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। और बहुत खुशी हुई यहाँ से आज मिलके जी, बहुत कई बार आपको देखा था। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर का एक बुलंद आवाज जो आप फील कर पाते हैं एवरी डे इस वीडियो में, और सर ने जो तारीफ करी मुझे उसके लिए थैंक यू सो मच सर। तकरीबन 3 साल होने वाले हैं मुझे एज अ यूट्यूब पे, एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर और एक यूट्यूबर। मैंने यूट्यूब पे काम किया है और मैं जानता हूँ काफ़ी लोग मुझे पहले से लाइक मेरी वीडियोस लोगों ने देखी होंगी, और जो लोग नहीं देखा उनको आपने बता ही दिया पूरी डिटेल्स में। सो बहुत अच्छा लगा कि मैं अजीत जी के चैनल पे आया और इन पे काफ़ी व्यूअर्स हैं, जो मैंने देख पाया कि बहुत एक अच्छा खासा सपोर्ट इनको मिलता है, बहुत प्यार रहता है और वो प्यार का ये सही से इस्तेमाल भी करते हैं, जाते हैं उनके लिए हर जगह मेहनत। मतलब जब हम तकरीबन इस वीडियो से 1 घंटे हम बैठ के डिस्कस किए हमने किस तरीके से वो मेहनत होती है आप सबके लिए। आप जो वीडियोस देख पा रहे हैं वो तकरीबन 10 मिनट की होती है, 20 मिनट की होती है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत की है इन्होंने वो शायद आप भी जानते होंगे, कई बार ये शेयर भी करते होंगे अपने दिल की बात। सो द थैंक यू सो मच कि मैं आपके चैनल पे आया और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि हम ना नए नए जो हमारे बिजनेस आइडिया जो व्यूअर्स होते हैं उनको बताते हैं, पर जो हमारे जो कोई व्यापारी जो लोग हैं जो पुराना बिजनेस कर रहे हैं उस वो अगर डिजिटल मार्केट से जुड़ना चाहे, वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हैं, थोड़ा बताएंगे सर? मैं थोड़ा डिटेल में इसको बताना चाहूँगा। बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग है, सबसे पहले चीज़ को समझनी है, ये 2 जॉनर में बढ़ चुकी है। एक वो जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है, उनके लिए भी है। एक वो लोग जिनके पास अपना बिजनेस चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो, दोनों के लिए है। सबसे पहले आपने सवाल पूछा कि उनके लिए जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनके लिए जवाब देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, कोई सा भी बिजनेस हो सकता है, मतलब XYZ कोई भी बिजनेस, उसकी मार्केटिंग करने के लिए आप एक बजट लगाते हैं कि भाई इसका बैनर लगाओ, पोस्टर्स लगाओ, यहाँ जाओ, पैम्पलेट बंटवाओ, लोगों से मिलो, कुछ इवेंट करते हैं जहां से कस्टमर आएंगे, आप एक लमसम अमाउंट एक्सपेंड कर देते हैं। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली आप पैसा कहाँ खर्च करते हैं, जहाँ पे जनता होती है। जैसे मान लीजिए हम जाते थे मेले में, मेले में बैनर्स लेके बैठे, क्यों? क्योंकि मेले में भीड़ आती है, जहाँ भीड़ होती है वहीं इकट्ठे होते हैं। राइट, कस्टमर भी वही है ना सर। लेकिन आजकल कहाँ पे है पब्लिक, कहाँ पे? आजकल पब्लिक सोशल मीडिया पे बैठी है, टिकटॉक पे बैठी है, फेसबुक पे बैठी है, इंस्टाग्राम पे बैठी है, यूट्यूब पे बैठी है। जनरली मैं 4-5 चीजों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। सारी पब्लिक, मतलब एवरेज सर्वे है कि दिन के 3 घंटे हम अपने मोबाइल पे रहते हैं, बिल्कुल सही बात, मतलब सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो सारी जनता कहाँ है? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। तो हम अपना प्रचार ये ऑफलाइन रोड पे क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, राइट ना सर? सीधा जवाब है। तो इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपने को सोशल मीडिया पे लाना है। तो सोशल मीडिया पे लाने के लिए लोग एक डिजिटल मार्केटर की तलाश करते हैं कि भैया हमारे बिजनेस को यहाँ पे ले जाओ। पहले चीजें बहुत मुश्किल थी आज से 2-2.5 साल पहले, लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, चीजें बहुत आसान होती है। आज कोई भी छोटा व्यापारी अपने बिजनेस का फेसबुक मार्केटिंग खुद कर सकता है। आप सोचिए कि एक कस्टमर लाने के लिए लोग 500 से 700 रुपए बर्बाद कर देते हैं, रियलिटी है। लेकिन फेसबुक के थ्रू आप बल्क में सिर्फ 3-2 रुपए कस्टमर ला सकते हैं, बिल्कुल सही बात। वो भी एक कस्टमर नहीं, एक साथ 100 कस्टमर। जब कस्टमर सामने से आता है ना सर, सीधा एक जवाब देना चाहूंगा, मुझे पता है कि जो बिजनेस के नब्ज हैं वो आपसे ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ आइडिया देता हूँ। मतलब मैं देखता था कि 2 दुकानें होती हैं, एक दुकान जहाँ पे दिन भर में 1 कस्टमर आया, वो सोता रहता है, जैसे ही कस्टमर आया, हाँ जी सर नमस्कार, कैसे हैं सर, आइए सर, प्लीज सर, चाय लाओ रे, पानी लाओ रे, कस्टमर चौधरी होकर बैठ रहा है, हाँ जी साहब तुमको आज डिस्काउंट देना पड़ेगा, हाँ सर कर लेंगे। और एक दूसरी दुकान होती है जहाँ पे भीड़ लगी होती है, दुकान वाले को फुर्सत नहीं है, वहां पे सर कोई डिस्काउंट के बारे में चूं भी करता है ना, चाय ना पानी, क्यों?
जस्ट बिकॉज ऑफ उसके बाद बहुत सारे कस्टमर है, इसके बाद एक ही आया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से रियल चला चला जाएगा तो कोई बात नहीं, और खड़े हैं, सामान दोनों ही दे रहे हैं, सामान दोनों ही अच्छा दे रहे हैं, लेकिन एक इंटेंशनली देख रहे हैं। तो यही चीज पावर है कि आप एज अ सेलर, आपके पास कस्टमर बहुत होने जरूरी है कि आप अपनी चीजों को बदलना दे। कई बार आप लॉस में बेच रहे हैं, क्यों कस्टमर आने दो, क्यों लॉस में बेचे, है ना, आप एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आए। तो सर डिजिटल मार्केटिंग से अपने कस्टमर्स को आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं, और वही चीजें मैं लोगों को सिखाता हूँ अपने इस कोर्स के जरिए। सर जब मैं आया था आपने ये भी बताया था कि YouTube के बारे में आप बता रहे थे कि कोई अगर लोग, कई लोगों को तो पता है कि YouTube चैनल कैसे बनाया जाता है, उस पे कैसे काम किया जाता है, इसको तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सर मैं थोड़ा सा डिटेल करूंगा। जब मैं पहली बार YouTube पे आया था ना, तो हमारी आपकी सबकी कहानी एक जैसी, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर बनने नहीं आए थे, हम लोग आए थे ऐसे ही कुछ शौक में करने के लिए और बनते चले गए, राइट। सो हमने देखा कि जो हम थंबनेल बनाने के लिए 5 घंटा लगाया, ये कैसे बनता है, क्या है, वो 5 मिनट का खेल है। इतना इतना समय बर्बाद करके सिर्फ किस लिए, कहीं से एक सही गाइडेंस ना मिली, राइट, बिल्कुल एक सही गाइडेंस नहीं मिली, इसके वजह से हमने इतना सारा समय बर्बाद करके, समय बर्बाद करते करते 6-7 महीने में जाके कुछ चीज समझ पाया, अच्छा यार हमें बिजनेस टिप्स डालनी है, अच्छा यार मुझे मोटिवेट, अच्छा मुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखानी। पर वही चीजें अगर हमें 1 से 1.5 महीने में कोई चीज सिखा जाए सही तरीके से, तो नेक्स्ट डे से हमें पता होगा कि मुझे किस सेगमेंट में वीडियो बनानी बनाने है, मैं किस लिए डिजिटल मार्केटिंग में आया हूँ, मैं किस लिए यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहता हूँ, अगर मैं चैनल बना भी रहा हूँ तो मेरी ऑडियंस कौन सी है, वो हिंदी में सुनना चाहती है इंग्लिश में, वो क्रोमा पे वीडियो कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है ग्रीन स्क्रीन लगा होता है पीछे, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, ये कैसे बनता है, इसके लिए वो 10 जगह घूम रहा है फिर हार के छोड़ दिया, वो कर सकता था लेकिन छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिली। तो हमने प्रॉपर एक कोर्स बनाया लास्ट 2 सालों में, स्टार्टिंग में हमने यूट्यूब का कोर्स किया। आई एम टेलिंग यू कि मैंने 2000 से ज्यादा यूट्यूबर्स बनाए हैं और कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे कि आप एक वसंत झांगड़ा एक प्रैंक चैनल है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, मतलब आप अभी मेरी टीम से भी देख रहे थे, मिल रहे थे, जो आज महीने के 10 लाख रुपए से ज्यादा सिर्फ यूट्यूब से अर्न कर पाते हैं। अब सोचिए एक बच्चा जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था, मतलब पापा से पॉकेट मनी लेके घूम रहा है, सर से आ रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है, और वो महीने के 10 लाख रुपए, मतलब बहुत लोगों को मजाक लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, मजाक लग रहा होगा, पर दिस इज अ रियलिटी कि लोग एडसेंस से 10-10 लाख रुपए मेरे स्टूडेंट्स अर्न कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक सही गाइडेंस मिली, बच्चे की पूरी मेहनत है, मेरा कोई काम नहीं है, मैंने बस उसको एक तरीका बताया, ये ऐसे ऐसे कर, तेरे लिए ये शूट करता है। सर जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले बात करी थी कि यूट्यूब एक आदमी को हीरो बना देता है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई कहीं हमें कोई जानता ही नहीं था, अब जहाँ पे भी जाते हैं, अरे अजीत सर, अरे महेंद्र सिंह, लोग दूर से भाग के आते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, और लोग वो खुशी की बात ही अलग है, मतलब वो मैं आपके चेहरे पे देख पा रहा था, क्योंकि मैं सुन रहा था अगर आपके यहाँ, तो मैं बोल नहीं रहा था, क्योंकि वो चेहरे पे आपके ना वो स्माइल मैं देख पा रहा था कि आप, क्योंकि मैंने भी फील करी नहीं वो देख रहा था मैं, पता क्या बात सर, ऑटोमेटिकली मैं कैमरे के सामने आता हूं तो ऑटोमेटिकली जोश आ जाता है। नहीं नहीं सर, वो मैं भी सच में सीरियसली, मतलब इनका वो जोश मैंने भी पहली बार देखा, हम प्यार से बात कर रहे थे, मतलब बहुत धीरे बोल रहे थे, तो अचानक से सर का वो फोर्स, तो ये सर वो प्यार होता है, हां जी हां जी, कि अल्टीमेटली ना वो अभी आपके चेहरे पे चमक, मेरे चेहरे पे चमक, अल्टीमेटली अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जब आप कोई चीज सही चीज डिलीवर करते हैं ना, तो गुस्सा प्यार ये सब चीज अंदर भरी होती है। हां सर, मैं बता दूं कई चीजों को कुछ याद करना पड़ता है, तो आपने मेरे को देखा होगा अंदर से निकलती है, खुद नहीं पता क्या बोलना होता है मेरे को। सर यही चीजें आपको परफेक्टनेस में आती है, धीरे धीरे आप उसमें बनते हैं। तो बेसिकली मैं यही जानना चाहता हूं, मतलब अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर है जैक मा, उन्होंने कहा था कि 2030 में, मतलब एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है वो, उन्होंने कहा कि 2030 में ऑफलाइन सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मतलब कि अगर आप कस्टमर ढूंढ रहे हैं ऑफलाइन नहीं मिलेगा, सब ऑनलाइन है, तो हम क्यों देर कर रहे हैं, हमारे पास अभी 10 साल है, हम क्यों नहीं सीख के अपने सब चीजों को ऑनलाइन लेके आए, सब चीजों को शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं एक वेबसाइट बनाने से। आज हम लोगों को सिखाते हैं कि आप खुद बैठे बैठे, कोई कोडर की जरूरत नहीं है, 5 मिनट में खुद की वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हैं। अच्छा, तो ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल है, फ्यूचरिस्टिक है, और वहां से पैसा आता है। सर एक चीज आपसे और भी पूछना चाहूंगा, यूट्यूब पे तो काफी आपने देखा होगा चैनल बने हुए हैं जी, बिल्कुल, लेकिन किसी का ही चल पाता, किसका नहीं चल पाता, ये क्या रीजन है इसका? मैं सर वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपने बोला था कि जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं उनके लिए, मैं वो भी पहले साथ में डिटेल करता हूं। जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं वो यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे अमेजोन का प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को आप किसी को रेफर करके आप उस पर 4% 10% कमीशन अर्न कर सकते हैं, मतलब सामने वाले को 10,000 का फोन 10,000 में ही मिलेगा, आपको अमेजोन उस पर 4% से लेके 10% तक पैसा देगा, और ये बहुत बल्क में होता है जब आप YouTube पे चैनल बना के वेबसाइट बना के करते हैं। तो बेसिकली अगर आप बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग, YouTube चैनल्स, TikTok पे अपनी वीडियो डालना चाहते हैं, तो इस वे में भी आप ऑनलाइन अर्निंग
कर सकते सर। मैंने और भी सुना है फेसबुक के ऊपर भी कुछ आप बिल्कुल बिल्कुल फेसबुक की मोनेटाइजेशन है अब आ गई, पहले यूट्यूब की थी अब फेसबुक की मोनेटाइजेशन है। लास्ट वन ईयर्स में फेसबुक की वीडियो जब आप डालते हैं तो उस पे आपका 30,000 का वॉच टाइम होना चाहिए और 1,000 लाइक्स उसके पेज पे होने चाहिए। उसके बाद वीडियोस पे वो मिड रोल एड्स डाल देते हैं अच्छा। जिसपे सामने वाला मिनिमम 1 मिनट की वीडियो देखा होना चाहिए। और मुझे खुशी है मेरे बैंक से कल ही परसों फोन आया था कोटक बैंक से कि सर आप पैसे नहीं लोगे क्या? मैंने क्या हो गया? कह रहा सर बाहर से पैसा आया हुआ। मैंने कहा भाई हमारा पैसा तो दूसरे बैंक में आता है। जब हमने चेक किया तो हमारी जो फेसबुक पे महात्मा जी टेक्निकल वीडियोस आती है उसके एड्स के रेवेन्यू के पास आए। क्या बात है। तो मतलब बेसिकली ये वो अमाउंट्स है जो आपको फेसबुक से अर्निंग मिलती है। फिर सर का एक क्वेश्चन था कि लाइक बहुत से चैनल चलते हैं और कुछ चैनल नहीं चल पाते। यही वो सर गाइडेंस की प्रॉब्लम है। मतलब आपको मैं ना एक एक्सेल शीट बना के देता हूँ कि सबसे पहले चैनल्स उसमें आपको महीने में 10 वीडियो डालनी है। 10 में से कौन सी आपकी वीडियो, जैसे सपोज नीच डिसाइड किया आपने कि मेरे को बिजनेस आइडिया या मेरा कोई पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया पे ले लेते हैं चैनल डालना है। आपने 10 वीडियो महीने की डाली, अगले महीने आपने देखा कि इसमें 2 वीडियो जीते 500 व्यूज ला पाए। उस 2 वीडियो में कितने मिनट की वीडियो थी, किस लोकेशन में शूट किया, टोन कैसी थी, कैमरा कौन सा था, सारी चीजें डिसाइड करिए। फिर उसी 2 वीडियो पे अगले महीने सेम वैसे वीडियोस बनाइए। तो दे हैव सो मेनी चीजें जो हम उस अपने कोर्स में हमने डाली हुई है मॉड्यूल्स के साथ और 180 से भी ज्यादा वीडियोस है हमारी उस कोर्स में। हमने ये तक हमने 50 से ज्यादा केस स्टडी बनाया हुआ है कि जरूरी नहीं आपको बिजनेस आइडिया पे चैनल बनाने हैं। 50 से भी ज्यादा केस स्टडी है कि अगर आपको गेमिंग का चैनल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो फिर उसका कैसे रहेगा, अगर आपको बाइकर ना ब्लॉग चैनल शुरू करने हैं जैसे आपने जेएस फिल्म देखा होगा, जट प्रभ जो देखा होगा, सिद्धार्थ जो है जो दिल्ली में काफी फेमस है, मतलब ये सब वो लोग हैं जिनको मैंने 0 से ग्रो करते साथ में देखा है, राइट। तो उन सब की केस स्टडी मैंने बना के डाली हुई है कि कैसे एक ब्लॉगर अगर आपको बनना है तो आप कैसे जट प्रभ जोत जेएस फिल्म जैसे बन सकते हैं। सर एक चीज और भी पूछनी थी, कई चीज हम भी अपने चैनल पर डाल देते हैं एकदम यूट्यूब से एकदम वार्निंग आ जाती है, वो किस लिए है? उसमें हम क्या किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है उसमें? उसमें दे हैव सो मेनी चीजें जो जैसे मान लीजिए कॉपीराइट का इशू रहता है, आजकल कोपा का लेक जो अभी पॉलिसी आए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। लेकिन वो चीजें तभी क्या होता है ना, कई बार हम म्यूजिक डाल रहे हैं बाद में पता चला रहे यार वो सारे चैनल बैन हो गए, आजकल पता है सारे चैनल्स बैन हो रहे हैं। तो वही चीजें लोगों को ना नॉलेज नहीं है, हमें क्यों नहीं मिला, आप समझ रहे हैं, सही बात है। हमें क्यों नहीं मिला, हम भी तो इतना काम कर रहे हैं। आप मेरे देख रहे हैं मेरे खुद के 4 से 5 चैनल्स हैं ऑलरेडी लाइक यूट्यूब पे, हमने इन चीजों का सामना कभी नहीं किया। रीजन इज दैट कि हमें पता है, तो अगर आप हमारे साथ या आप हमारे साथ हैंड होल्ड करके चलते हैं तो हम वो चीज सिखाते हैं प्रॉपर उस कोर्स में कि आपको ये चीजें मिलेंगी। सर एक चीज आपसे और भी पूछना चाहूंगा कि YouTube कोई अपना चैनल अगर बना लेता है तो उसको अर्निंग कब से चालू हो जाती है, थोड़ा बताएं कि इसके बारे में। मैं बिल्कुल सर शेयर कर देता हूं वो चीजें कि जब आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाता है उसके बाद आपका चैनल हो जाता है मोनेटाइज। उससे आपको हर वीडियोस के रेवेन्यू आने लगते हैं और ये भी डिपेंड करता है वीडियो टू वीडियो, ये भी डिपेंड करता है जॉनर टू जॉनर, हर जॉनर का अलग अलग है। सर अगर कोई अपना अलग चैनल भी बनाना चाहे तो आपसे कुछ सलाह लेना चाहे तो क्या इसके बारे में? बिल्कुल सर, इसके बारे में मैं आपको डिटेल करूंगा कि हमारा एक नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है पूरा, जो अभी शायद कुछ अभी हमारे सेल्स टीम ने कुछ ऑफर करा हुआ है 300 सब्सक्राइबर लाइक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अभी सेगमेंट में कोर्स की प्राइस जो मैं आपको बताऊं सर 50,000 रुपीज है, बिकॉज उसमें बहुत सारे टीचर्स मेरा सोशल मीडिया यूट्यूब की चीजें डिपेंड, और आपने देखा है कि क्या लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं। सो लेकिन अभी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ऑफर है कि वो 82% डिस्काउंट पे सिर्फ 9,000 में उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहूंगा, कोई ये वाला आपका कोर्स करना कोई चाहता है तो इससे कैसे जुड़ सकते हैं, थोड़ा बताएंगे? सर मैं डिटेल करूंगा, हमारी वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप डाल देंगे, कमेंट भी पिन कर देंगे उसमें, वहां पे भी जा सकते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पे, डायरेक्ट नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है उसको एनरोल कर सकते हैं, या फिर जो आपको नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल करके काउंसलर से पूरी डिटेल ले सकते हैं अगर आपको किसी चीज में डाउट है कि भाई क्या वीडियोस हैं, कब तक रहेंगे, कि हमारा जो कोर्स है हमने लाइफ टाइम दिया हुआ है बच्चों कि आप जब चाहें इस वीडियो को तब देख सकते हैं, पूरा लाइफ टाइम एक्सेस है। तो काउंसलर को कॉल करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं और जब समझ आ जाए तो आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। सर कॉलिंग टाइम क्या होगा, किस टाइम? कॉलिंग टाइम वैसे तो 24 आवर्स है हमारी पूरी टीम, 24 घंटे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दिन के टाइम कॉल करेंगे सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सारी मिलेंगे। कभी बार नाइट में आप कॉल करते हैं, कई बार मिस हो जाती है, तो मिस होने के बाद भी हमारी टीम जो आपको मॉर्निंग में कॉल कर लेगी
तो आप जिस टाइम भी इस वीडियो को देख रहे हो आप कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और काफी अच्छी जानकारी दी। तो व्यूअर्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो सामने देख सकते हैं डिस्प्ले पे इनका पूरा फोन नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इनके फोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस दी गई है, आपने खाली एक कॉल करना है। ओके, मिलते हैं किसी नई वीडियोस में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।